हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एजुकेशन। तो प्लस टू नामलेखा 2023 प्रथम पर्याय सरी जाइला, फर्स्ट सिलेक्शन, सेकंड सिलेक्शन, स्पॉट एडमिशन सरी जाइला। तो वर्तमान समय रे द्वितीय पर्याय नामलेखापाई आवेदन प्रक्रिया आरंभ होई। जो पिला माने प्रथम पर्याय आवेदन रे निजर मनपसंद कॉलेज पाई नथिले किंबा कौनसी जगह एडमिशन पाई नथिले एवं सप्लीमेंटरी परीक्षा रे कृतकार्य होता पिला माने वर्तमान ए एडमिशन प्रक्रिया रे भाग नहीं पारे। तो केबेरु केबे रही एडमिशन प्रक्रिया आवेदन अगस्ट 16 अगस्ट 28, तो अर्थात आज ठार् आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो जाए। तेणु भिडटी को बहु मात्रा आम दशम श्रेणी में पास कर पठेबा, जहाँफल कि जो मैंने भी कौन कॉलेज पाईना एडमिशन रु वंचित अच्छा, तो वर्तमान से मैंने एडमिशन पाईपर एवं निज मन पसंद कॉलेज पाईपर। तो ये प्रक्रिया बाहर पिलाकर क्वेश्चन था सर आम कॉलेज बदल पार कि से विषय में ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखेबी आ समस्त यहाँ गोटे सुजोग। तो देखो कौन रही ऑफिशियली नोटिफिकेशन रे, देखो डायरेक्टोरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा जनशिक्षा भवन यूनिट भी भुवनेश्वर रही। सब्जेक्ट कौन पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट रिगार्डिंग ई एडमिशन सेकेंड फेज इनटू क्लास एक्सआई स्टूडेंट इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ द स्टेट थ्रू साम्स फॉर द एकेडमिक सेक्शन 2023-24 एकादश श्रेणी नाम लेखापाई ये सेकेंड फेज। तो देखु कौन रही कौन नोटिफिकेशन देखु 14 तारीख मंडे ओडियार समाज पेपर संवाद प्रमेय धरित्री सबुद्री पब्लिकेशन होता, इंग्लिश पेपर रे टाइम्स ऑफ इंडिया द न्यू इंडिया एक्सप्रेस एथला सेमती 15 तारीख मध्य से नोटिफिकेशन खबर कागज रे आसतिला। तो देखो यहाँ आम मुख्य कौन रही डायरेक्टर ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा कौन रही वैकेंट सीट ई एडमिशन फेज टू इनटू हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर द सेक्शन 2023-24। देखा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन रही कौ मैंने आप्लाय करेंगे, आप्लिकांट मस्ट हैव पास्ड द हाई स्कूल सर्टिफिकेट एचएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन बीएससी ओडिशा और इक्विवेलेंट बोर्ड। देखो दशम श्रेणी जमी पास कर आप्लाय कर बीएससी बोर्ड हो सहित इक्विवेलेंट थी बोर्ड। आउ गोटे बड़ अपडेट जे नो रिजर्वेशन और वेटेज क्लेम शाल बी कन्सीडर फर द वैकेंट सीट एडमिशन, एटी कौन सी वेटेज देखा जीवो नाही केवल मार्क अनुसार हे कौन सी कास्ट अलग एनसी स्काउट एर कौन सी वेटेज देखा जीवो नाही। इंस्ट्रक्शन केमती रही द आप्लिकेसन आप्लिकेंट एंड द पेरेन्ट्स गार्डियंस आर रिक्वेस्टेड टू रीड कमन प्रोस्पेक्ट्स अवेलेबल इन साम्स पोर्टाल, पढ़ाक पड़ो कमी अप्लाय करेंगे डिटेल्स पढ़िकी करेंगे। देखो प्रोसीजर केमती रही एथिरे मध्ये फास्ट सिलेक्शन आसीबो स्पॉट आसीबो ओके एठोटे देइछि कौन ना बिफोर फेज टू स्पॉट सिलेक्शन प्रथमे सिलेक्ट होला फास्ट सिलेक्शन आसीगला, जदि फास्ट सिलेक्शन न आसला फेज टू आसीबो स्पॉट सिलेक्शन फेज टू रेज टूर स्पॉट सिलेक्शन पूर्व जदि सिलेक्टेड न होती से मैंने मोडिफाई करके कॉलेज चेंज करें। देखो प्रोसीजर कौन रही फ्रेश कैंडिडेट जो मैंने पूर्व अप्लाय करते से कौन करेंगे रजिस्टर करेंगे वेबसाइट को जाकि साम्स ओडिशा .gov.in रे मोबाइल नंबर देते इमेल जमी आगे रजिस्ट्रेशन हो तार वीडियो आम आनी सेमती जाके करिबा। सेकेंड कथा हूँ जो मैंने अप्लाई करी आगुरु तांकर कोठी आसीनी से माने भी इथरे जाके सही नंबर रे लॉगिन करके देखि परिबे। तो इम्पोर्टेंट डेट कौन रहू छी देखंतु ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट रहइबो वैकेंसी 16 रु
लास्ट डेट रही 28/8। पब्लिकेशन ऑफ फास्ट लिस्ट के 4/9 आस फास्ट मेरिट लिस्ट। रिपोर्टिंग करी एडमिशन के 5/9। लास्ट डेट रिपोर्टिंग रोज 5/7/9 भितर मानक एडमिशन फास्ट प्रोसेस सरीज। तापर मैंने इ स्पेस 8/9 सुधा अपलोड कर दे। जो मैंने सिलेक्टेड ना 9/9 से मैंने कौन तर चेंजेस करें मॉडिफाई करें 9/10 रु दिन। पब्लिकेशन हम स्पॉट लिस्ट के 12/9 रे जी सीट 5 गुणा आस। रिपोर्टिंग करेंगे 13/15 सुधा से मानकर। रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट इन फ्रॉम ऑफ हैंड रिटन एप्लीकेशन फॉर वेटिंग लिस्ट सिलेक्टेड सेकेंडरी स्कूल्स ए वैकेंसीज एक्जिस्ट जो थे अप्लाई करेंगे। ये सब कंप्लीट हम के 17/9 गोटे मस भर ये कंप्लीट हम प्रोसेस। तो यहाँ मुझे टेलीग्राम ग्रुप रे शेयर करने भी आपको आम पढ़ी पार्बा। ता सहित तो कौन कौन डॉक्यूमेंट्स दरकार से वेरी इंपोर्टेंट जहाँकि वीडियो आम पूर्व आनी वीडियो सेम डॉक्यूमेंट तो से वीडियो को आम देखी नहीं पार्बा आमपाई हेल्पफुल रोक। ओके थैंक यू।